प्रदेश के अलीगढ़ में मासूम ट्विंकल की दर्दनाक हत्या के बाद जहां एक तरफ पूरा देश मरमाहत है, वहीं सिवान में भी आरोपियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सिवान में सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी हेल्पर ग्रुप और उसके साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने ट्विंकल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च सिवान के DAV मोड़ से निकलकर शहर होते हुए JP चौक पहुंची। सभी युवाओं ने एक स्वर के सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हाल ही में कुछ दिन पहले अलीगढ़ में UP में जो पड़ता है वहाँ पे 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। रेप भी उसके एक दुष्कर्म के तरह किया गया है। उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। साथ ही साथ उस बच्ची का आंख निकाल दिया गया है, पथरी निकाल दिया गया है। कोई दरिंदा भी होगा तो ऐसा नहीं करेगा जैसा उस बच्ची के साथ हुआ है। क्या मांगे करते हैं सरकार से, क्या मांगे? उस बच्ची की इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। आने वाले समय में किसी भी बच्ची को ट्विंकल की तरह सामना ना करना पड़े। हम सरकार से मांग करते हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार से मांग करते हैं, अब माँ के लिए एक ऐसा कानून बनाइए ताकि किसी भी माँ को अपने बेटी को अंतिम रूप में, उस शव के रूप में, कभी ट्विंकल के रूप में ना देखने को मिले। अपना परिचय, अनमोल कुमार सोसाइटी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।